नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश में पसमांदा मुस्लिम सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। हिंदुत्व के दम पर बंपर जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आखिर पसमांदा मुस्लिम सम्मेलन आयोजित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या लोकसभा को टारगेट किया जा रहा है, लोकसभा चुनावों को टारगेट किया जा रहा है? क्या कुछ वजह है कि आखिर पसमांदा मुस्लिम का जो सम्मेलन है वो आयोजित किया जा रहा है? उसको लेकर देखिए तमाम तरह के जो बयान हैं वो भी सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। और इसी पर पसमांदा सम्मेलन क्यों आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि जुलाई में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि एक स्नेह यात्रा जो है वो निकाली जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में और पसमांदा मुस्लिमों को घर घर जाकर उनको पार्टी से जोड़ने के लिए तमाम योजनाओं के जरिए जो है उनको लाभ पहुंचाया जाएगा, उसके बाद पार्टी से जुड़ने का एक आह्वान किया जाएगा। और उसी की कहा जाए कि शुरुआत हो चुकी है स्नेह यात्रा की, और अलग अलग सम्मेलनों का भी आयोजन किया जा रहा है। और कहा जाए भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो दानिश आज़ाद अंसारी जो मंत्री हैं वो कहा जाए कि इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो इसी पर बात करेंगे। तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी पसमांदा मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन क्यों कर रही है, क्या आखिर जो उनका निशाना है, जो टारगेट है वो क्या है, क्या लोकसभा टारगेट है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो इमेज है उसको सुधारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन तमाम जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। कुमार इकबाल हैदर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद के। बहुत स्वागत है कुमार इकबाल हैदर साहब आपका। आसिफ रिजवी जी है प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका आसिफ जी बहुत स्वागत है। चंचल कुमार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी स्टूडियो से, आपका भी बहुत स्वागत है। और मोहम्मद इस्लाम जी है प्रवक्ता RLD के, आपका भी बहुत स्वागत है इस्लाम जी। और संजय चौधरी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी संजय जी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कुमार इकबाल हैदर जी आप ही से शुरू करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप दर्शकों को ये बता दें कि देखिए मुस्लिम, हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो लगातार होती आई है, लेकिन ये पसमांदा समाज का सम्मेलन करवाना, ये पसमांदा क्या है? और मुस्लिमों से कहा जाए कि जो कैटेगरीज में बांटा जा रहा है, तो ये पसमांदा समाज का आयोजन किया जा रहा है, ये पसमांदा समाज के मुस्लिम क्या है, और इसको लेकर जो हमारे दर्शक हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ समझ सकें ये पसमांदा समाज को लेकर। इकबाल हैदर साहब देखिए ऐसा है, ये कोई एक नई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये सिद्धांत रहा है, ये रहा है कि मतलब सब मिल के चलें, सबका साथ सबका विकास, ये बहुत क्लियर उसका एक ये उद्देश्य है। उसी के जो भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास जो एक कॉन्सेप्ट है, उसी को लेकर मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि देखिए अब मुसलमान ये समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी में उसके हित जो हैं बिल्कुल बहाल हैं, भारतीय जनता पार्टी से उसको लाभ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो नीतियां हैं जो सिद्धांत हैं उससे उनको फ़ायदा हो रहा है, इसलिए इन जनरल मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। तो पसमांदा देखिए कमज़ोर तबका किसी भी वर्ग में किसी भी संप्रदाय में हो तो उसके लिए कार्य करना चाहिए, उसको ऊंचा उठाना चाहिए। तो ये कोई नई बात नहीं है कि पसमांदा के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है आसिफ रिजवी साहब, देखिए पसमांदा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, कहा यह जाता है कि मुस्लिम समाज में जो एक ऐसा तबका है जो काफी पिछड़ा हुआ है, जो कि जिसको बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं मिला है, और उसको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ना चाहती है ताकि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपने कुछ अपने जरिए और कुछ अपने जो घटक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनके जरिए जो ये पसमांदा समाज है इसको अपने साथ जोड़ेगी। और कहीं ना कहीं देखिए इससे दो लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जा रही है, तो अपना जो वोट बैंक है उसको बढ़ाया जाए, या फिर जो वोट बैंक विपक्षी पार्टियों का है उसको डिवाइड किया जाए। आसिफ जी आपका क्या विचार है इस पर? पहली बार तो एक मुसलमानों में मुझे नहीं लगता है कि रिलीजन वाइज कोई एक कोई बैकवर्ड या कोई ऐसी या कोई ऐसी भावनाएं होती हैं या कोई पसमंदा समाज रिलीजन वाइज है। और अगर बात करी जाए जो बैकवर्ड कैटेगरी पसमंदा समाज के लोग आते हैं उनकी राजनीति में भागीदारी कितनी रही है,
तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े बहुत कम हैं, 90% भागीदारी उनकी है और है नहीं, 80 से लगातार है, तो इसको ठीक कर लें यहाँ पर। दूसरी बात यह कि अगर भारतीय जनता पार्टी पसंदीदा समाज को जोड़ना चाहती है तो ये बहुत अच्छी बात है और भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, ये उसकी अच्छी पहल है। लेकिन साथ ही साथ जो जिस तरह से आप देखिए लखीमपुर खीरी में एक दलित समाज की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, उसकी हत्या हो गई, तो जो SC जो OBC जो 80% आबादी है जिनको आज भी निग्लेक्ट किया जा रहा है केवल इसलिए कि कोई जो है वो कुर्मी है, केवल इसलिए कोई जो है वो भरतवाज है, केवल इसलिए कि कोई आदमी जो है वो गौतम है, उसका विरोध हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को दो कदम और आगे बढ़ना चाहिए। हम विपक्ष में होने के बावजूद ये बात कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी दलित को, OBC को, SC को भी आगे बढ़ाएगी तो हम उनकी मदद करेंगे, जो हमें करना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ, बैकवर्डों के साथ, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ काम कर रही है। और इसका सबसे बड़ा मिसाल है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मिनिस्टर जो अपने उन्होंने जो है रिजाइन करते वक्त ये कहा कि क्योंकि मैं खटिक समाज से आता हूँ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज आ रही है कि खटिक समाज के साथ बेइज्जती करी जा रही है, वो भी उस व्यक्ति के साथ जो स्टेट में मिनिस्टर है, तो सोचिए आम आदमी की क्या स्थिति होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी पहल है, लेकिन OBC SC के साथ भी जो उनका बर्ताव है उसको वो ठीक करें। ठीक है चंचल जी, SP समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों का जो तेज पत्ते की तरह उपयोग किया, जिस तरह से बिरयानी में किया जाता है ना, और ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका ये बयान है कि तेज पत्ते की तरह बिरयानी में जिस तरह से तेज पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह से मुस्लिमों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी ने किया और उसके बाद उनको निकाल कर फेंक दिया। देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ब्रजेश पाठक साहब ने बोला है उनकी बातों को हर आदमी मजाक में लेता है, क्योंकि ये लोग केवल झूठी बातें बोलते हैं, केवल मिसगाइड करने के लिए लोगों को बोलते हैं। आज ये पसमांदा समाज की जो है इनको सम्मेलन करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इनको पता है कि हमारे यहाँ जो क्या नाम है, जो इनकी धीरे धीरे करके जो 2024 चुनाव आ रहा है इसमें लोग एकजाई होकर के वोट करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है, आप मुझे बताइए कि ये लोग क्या हमारे मुख्यमंत्री जी का हृदय परिवर्तन हो गया है? आपको कितना जाने कितने सारे वाक्य हैं, ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जो बोलते थे कि अगर किसी एक हिंदू लड़की को अगर किसी मुस्लिम ने अगर भगा करके शादी करने की कोशिश करी तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों को भगाने काम करेंगे। तो क्या पसमांदा समाज के लोग उसमें नहीं आएंगे? ये वही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो न जाने कितनी सारी बातें हैं, मतलब बहुत सारी, अगर आप वीडियो क्लिपिंग अगर आप डाल दो आज के टाइम में, हेड स्पीचेस अगर डाल दो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, तो आपके सारी की सारी, अभी यही हमारे मुख्यमंत्री जो कहते थे कि कुछ ऐसा करो कि कुछ ऐसे प्रयोजन करो कि सारे के सारे हिंदू इकट्ठा हो, मैं बहुत सारी बातें, कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करो। आप सोचिए, मतलब कि ये लोग वही लोग हैं जो एन किन प्रकरण कि समाज को दंगे में झोंको। आप BJP का इतिहास रहा है, अगर आप देखें डिवाइड एंड रूल का काम इन्होंने किया है, बांटो और राज करो, ये उसी की कड़ी में एक दूसरा इनका काम है कि इनको जो है इनको बांटो और उसके ऊपर राज करो। आप ये मुझे बताएंगे कि आप मुझे बताइए कि आज BJP की सरकार है और BJP में कितने थानों के SHO मुसलमान हैं? क्या एक भी पूरे प्रदेश में DM है? क्या एक BSP कोई पूरे प्रदेश में है? जब ये बात इनके सम्मेलन की बात नहीं है, ये तो बात हिस्सेदारी की है। अगर ये इनकी खुद नियत अगर साफ होती, अगर इनका डबल चश्मा नहीं होता, जो एक क्या नाम हिंदू मुसलमान देखते हैं, उसके अलावा बैकवर्ड सबर देखते हैं, दलित पिछड़ा देखते हैं, तो ये अगर इनका केवल एक चश्मा अगर होता, कम से कम एक चश्मे की दो जो एक आंखें अगर होती, एक आंख से देखते, तो कम से कम ये सब सम्मेलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के टाइम में ऐसा कौन सा इंसान है जो इन दोनों सरकारों से परेशान नहीं है? आप मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आज कोई ऐसा जिला उठा लो आप, देखिए आप जहां पे आए दिन हत्याएं ना हो रही हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ना हो रहा हो, महिलाओं के साथ रेप ना हो रहे हो, मतलब कोई ऐसा जिला आप उठा के देख लीजिए, और सुनवाई के नाम पे जीरो है। आप बताओ आजमगढ़ जिले में ही अभी देखिए एक मौर्य दंपत्ति की मतलब एकदम नृशंस हत्या हुई है, मतलब आप समझिए कि निर्भया कांड जैसी हत्या हुई है, लेकिन अभी तक चूंकि मामला जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के सजातीय लोगों का है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हमारे मुख्यमंत्री जी। तो सवाल यह है, वो परिवार धरने पे बैठा हुआ अनवरत, आपके चैनल ने कल परसों दिखाया भी था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल, कम से कम जो बेचारी दो बेटियां हैं धरने में बैठी हुई हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सारे सेक्टर में आप फेल हो। आज के टाइम में रोजगार के देने के मामले में अगर आप बात कर लो, तो आप सोचो कि पेट की परीक्षा भी हुई है, कितनी दुर्व्यवस्था थी। आप सोचिए जहां एक तरफ जो है सरकार का एजेंडा क्लियर है कि हमको केवल जो है बांटना है और राज करना है,
केवल हमें प्रोपेगेंडा फैलाना है। आप सोचिए बेचारे जो जो बच्चे जिन बच्चों का जो बच्चे आजम बढ़ गए थे उनका सेंटर चला गया हरदोई, वो चला गया लखीमपुर, जो हमारी बहन बेटियां थी उनको लखीमपुर भेज दिया। ठीक है, आरएलडी के प्रवक्ता मोहम्मद इस्लाम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी पक्ष जो है वो जान लेते हैं। मोहम्मद इस्लाम जी, देखिए लगातार पसमानदा समाज का जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया जा रहा है, आपका इस पर क्या कहना है? आखिर भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से क्यों कर रही है भारतीय ये जो सम्मेलन है? साथियों की बात सुनी, असल में क्या है कि पसमानदा ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये पारसी का शब्द है। इसको हम जो है बाद में अंबेडकर जी ने, कांशीराम जी ने बहुजन समाज का नाम दे दिया। ये क्या है कि जो दबे कुचले जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो बिल्कुल गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं और जिनको हमने वर्ण व्यवस्था और जातिवादी व्यवस्था में जकड़ा हुआ है, वो उसमें अब बढ़ गया है, पसमानदा मुस्लिम हो गया है, पसमानदा हिंदू हो गया है। ये क्या है कि आजादी के बाद से इस तरह के सम्मेलन भी होते हैं, इस तरह की शुरुआत भी होती है, कांग्रेस सरकार ने भी की। पहले आयोग बने, काका केलेंकर आयोग बना, उसके बाद रघुनाथ मिश्र आयोग बना, उसके बाद में मुंगेरी लाल कमीशन बना, बीपी मंडल आयोग बना, पसमानदा मुस्लिम के लिए। ये शुरुआत पहले से लगभग जो है आजादी के बाद से हो रही है, और अभी जो है प्रधानमंत्री जी ने अभी केजी बालकृष्णन जी की अध्यक्षता में ये शुरुआत की है, उसके 3 मेंबर हैं। तो पहले तो मुझे ये एतराज है कि वो अध्यक्ष हैं तो एक मेंबर इसमें पसमानदा मुस्लिम होना चाहिए था, जो नहीं है। दूसरा ये है, तो और जितने आयोगों के आज तक की रिपोर्ट है सब ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, तो प्रधानमंत्री जी को वो जो रिपोर्ट्स हैं बीपी मंडल की है, रघुनाथ मिश्रा की है, वो आयोग वो रिपोर्ट जो है उस पर अमल करना चाहिए। दूसरा क्या मेन मुद्दा जो पसमानदा का है, मेन मुद्दा ये है कि मुझे खुशी है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं SC ST OBC, उनको जो है काफी बड़ा उनके अंदर वो आया है, बदलाव आया है। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है, उनकी सामाजिक स्थिति ठीक हुई है, उनकी शैक्षिक स्थिति ठीक हुई है, तो उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है आरक्षण का। और मेन जो उनको लाभ मिला है, उनको क्या है कि नेतृत्व मिल गए हैं। आपने देखा होगा आजादी के बाद से कितने बड़े बड़े नेता हो गए पसमानदा हिंदूज में, मायावती जी हैं, अखिलेश यादव हैं, आपके तेज प्रताप वो है, अपना लालू यादव जी हैं, नीतीश कुमार हैं, हर जो है उत्तर प्रदेश में जितनी पार्टी है पसमानदा हिंदूज की, उनको मैं वही बहुजन समाज कहूंगा, जो हमारे हम कन्वर्टेड हैं वो अभी हिंदू हैं, तो वो सबके उनको एक अच्छा नेतृत्व मिल गया है। देखिए उनको एक अच्छा नेतृत्व मिल गया तो उनको हिस्सेदारी मिल गई। तो मेन इसमें हमें इस वक्त राजनीति में ना पड़ के, किसी की बुराई ना करके, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे योगी जी हो, मेन हमें ये देखना चाहिए कि पसमानदा मुस्लिम जो है उनका भला क्यों नहीं हो रहा है। उनका भला इसलिए नहीं हो रहा है कि उनका शासन प्रशासन में कोई हिस्सेदारी नहीं है, और शासन प्रशासन में हिस्सेदारी इसलिए नहीं है कि उनका कोई नेतृत्व नहीं है। आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है। मैंने आपको नाम गिनवाए, हमारे मायावती जी हैं खुशी की बात है, लालू यादव जी हैं खुशी की बात है, नीतीश कुमार जी हैं खुशी की बात है। तो उनका क्या है कि उनको अच्छा एक नेतृत्व मिला, उनको आरक्षण का लाभ मिला, तो वो आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, खुशी की बात है। लेकिन पसमानदा मुस्लिम्स के नाम पर आयोग बने और शुरुआत हुई, अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरुआत की है। तो इसमें यह है कि जब तक पसमानदा मुस्लिम्स का कुछ नहीं होगा, जब तक इसको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। अब बड़े दुख की बात है कि आज देखिए भारत में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक शासक। ठीक है मोहम्मद इस्लाम जी, मैं वापस आऊंगा मोदी जी को। यहाँ संजय चौधरी जी काफी देर से देखिए इंतजार कर रहे हैं। संजय चौधरी जी मैं आपके पास आता हूँ। देखिए हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को बंपर जीत हासिल हुई है, ना सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी। फिर ये पसमानदा सम्मेलन करने की जरूरत क्या पड़ी, पहले इसका जवाब, और उसके बाद जो मोहम्मद इस्लाम साहब ने कहा कि आयोग जो बने हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, वहां पर भी पसमानदा मुस्लिम समाज के किसी भी प्रतिनिधि का वहां पर कोई रोल नहीं है। संजय चौधरी जी, देखिए सबसे पहले तो मेरी आपत्ति है इस बात के लिए कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने वक्तव्य में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इन्होंने एक बहुत आपत्तिजनक बात कही है, और इन्होंने कहा कि अगर कोई एक लड़की भगाओ तो तुम 100 लड़की भगाओ। मुझे लगता है कि आपके समाचार चैनल पर इस प्रकार का गैर जुम्मेदाराना बयान
देने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को खेद व्यक्त करना चाहिए। समाचार चैनल पर बैठने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जो आपके मन में बात आए वो बात आप कह पाएं। ये बहुत आपत्तिजनक बात है, मैं इस पर अपना विरोध व्यक्त करता हूं और मैं चाहूंगा कि कम से कम आप भी इस पर बल देंगे और इस प्रकार की घटिया बात कहने के लिए कम से कम उन्हें 100 बार इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बात नंबर 2, चौधरी साहब ये ऑन रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी पसमंदा मुसलमानों पर इसलिए काम करती है क्योंकि ठीक है सर, जवाब लेंगे, पहले आप अपनी बात, आप इस पर ठीक संजय जी आप अपनी बात पूरी करिए उसके बाद जवाब। आप इस सच पर कायम हैं? एकदम चंचल जी, मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड है, मैं ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। ये जो है नहीं, कायम है आप अपनी बात पर? जब मुख्यमंत्री जी सांसद हुआ करते थे, आप अपनी बात पर कायम है? हाँ जी कायम है। आप अपनी बात पर कायम है चंचल जी? मैं कायम हूं, बोल रहा हूं आपको, कितनी बार बोलूं आपको, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तब आप तैयार रहिएगा इसके लिए। जी तैयार हैं हम। ठीक है वापस आएंगे। संजय जी अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, आप धमका रहे हैं हमें। और बात रही पसमांदा की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा, हमारी रीति नहीं रही है कि हम अंत्योदय पर विश्वास करते हैं जी। अंत्योदय का मतलब है कि समाज के अंदर कोई भी वर्ग जो पीछे है, विकास के लिए सबसे पहले उसकी बात होनी चाहिए, विकास उस तक पहुंचना चाहिए। हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं, कोई भी हमारे विकास से छोटा नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं। मुसलमानों में जो नेतृत्व रहा, वो चाहे राजनीतिक नेतृत्व रहा, चाहे वो सामाजिक नेतृत्व रहा, चाहे वो आर्थिक नेतृत्व रहा, ये जो पसमंदा समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो बहुत गरीब समाज है, इस तबके के हाथ में न राजनीति की सत्ता आई, न आर्थिक सत्ता आई और न सामाजिक सत्ता आई, इसलिए ये विकास से पीछे चला गया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसा वर्ग जो इसमें पीछे है उसकी भी चिंता हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उसमें न हिंदू न मुसलमान, न जाति, न वर्ग, न भेद, बिना किसी भेदभाव के सारे लोगों के साथ विकास की योजनाएं पहुंच रही है। इसीलिए पसमंदा समाज के लिए भी भारतीय जनता पार्टी आगे आई है और इसका असर देखने को मिला होगा कि विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम क्षेत्रों में भी बड़ी सफलताएं मिली है। समाजवादी पार्टी का परंपरागत गढ़, जैसे रामपुर जो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज है, जैसे आजमगढ़ जो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज है, इनमें भी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को बढ़त के आधार पर समर्थन मिला है और ये समर्थन के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों पर और विश्वास जगा है। हम ये मानते हैं कि हम पसमंदा समाज, जो विकास की दौड़ में लोगों ने इसको, राजनीतिक दलों ने इस्तेमाल किया और स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी इस पर मूलतः सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ का इसका बहुत संबंध नहीं है। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बताती है कि इन्हें और सुविधाएं मिलना चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसका मैं एक नमूना बताना चाहूंगा, गुजरात के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन है 8% और गुजरात में मुसलमानों को नौकरियों में जो उनका प्रतिशत है वो भी लगभग 8% है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान है लगभग 16-17%, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग 2% के आसपास भी मुसलमान सरकारी नौकरी में नहीं है। राजनीतिक दल इन्हें इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन नेतृत्व नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ही उसी पसमंदा समाज को नेतृत्व सौंपा है, मंत्री बनाया है और मुझे लगता है कि इस पसमंदा समाज में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बढ़ाएगी और जैसे विधानसभा चुनाव के बाद हमने मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया को जीता है, आगे भी इसको जीत कर दिखाएंगे। माफी चाहता हूं पर आपको मैं एक बात को बता दूं कि खटिस समाज से भी आपने एक मंत्री बनाया है जो रिजाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं खटिस समाज से आता हूं इसलिए मुख्यमंत्री जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, सरकार में मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। चौधरी साहब एक चीज बताइए कि पूरे प्रदेश में आप मुझे बता दिए किसी भी एक थाने का अगर एक भी मुस्लिम SHO हो वर्तमान में, आप जाति देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग करते हो, आप जाति देख करके आप कार्रवाई भी करते हो, जाति देख के आपका बुलडोजर चलता है, आप जातिगत आधार पूरी सरकार चल रही है आज के टाइम में और आप हमें धमका रहे चैनल बैठ करके कि हमने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये सारी की सारी चीजें यूट्यूब पे पड़ी हुई है। धमका नहीं है, आपको है सामना अगर आपको आपत्ति है इन सब चीजों से आप यहां से हटवाइए, आप ये कोई बिल्कुल
हटवाएंगे नहीं, आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे। एकदम मुकदमा करिए आप हमें धमकाने की सुनिए, समाजवादी लोग डरते नहीं है। गलत तथ्यों को करने का आप मुझे धमका रहे, इसके खिलाफ भी मुकदमा मैं करूंगा, भी ध्यान रखिए। कितने नहीं डरते, धमकाइए नहीं, सत्ता का अहंकार बहुत खराब होता है चौधरी साहब। आप मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चैनल इस प्रकार से नहीं कर सकते। मैंने बताया, मैंने आपको स्पष्ट बताया कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बाद उन्हें फेंक दिया, समय में सांसद थे, उस समय की बात मैंने आपको आपके रहते हुए आपके मुसलमानों की बात करते हुए मुसलमानों की बेहतरी की बात क्यों नहीं हुई? आप मुझे बताइए ना, आपने वो पढ़ाई में आगे नहीं आ पाए, समाज में आगे नहीं बढ़ पाए, राजनीतिक आबादी में आगे नहीं आ पाए, क्यों आप मुझे बताइए? इसीलिए आप आदिवासी को मानते हैं, तेज पत्थर की तरह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वोट बैंक की तरह यूज करते हैं, और यूज करने के बाद उन्हें फेंक देते हैं। मंदिरों में जाने की आजादी नहीं है के लोग क्या बात सारे समाज के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सुनिए चौधरी साहब, अगर आप अगर इतने ही कैसी हैं काम करते हैं समाज के, इसीलिए अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस के 16 सीटें थी, 4 सीटें ओबीसी के लिए थी, लेकिन वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप नहीं चाहते इलेक्टिंग बॉडी थी उसने बताया कि हमें कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, आप वो सिखा गए, क्या बात कर रही है आप? केवल झांसा देने से काम नहीं चलने वाला है, को आगे आने से रोकते हो आप। मैंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 16 देखिए पसमांदा समाज पर बहस हो रही है, उसी पर आप रहिए, आप दोनों से मेरी गुजारिश है। देखिए संजय चौधरी जी, पसमांदा समाज और एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी, एक चीज बताइएगा, एक मिनट सर, आप मुझे बताइए पसमांदा समाज में अगर 2 सीटें अगर ओबीसी की जनरल की जो क्या ओबीसी सीटें थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर ये खा गए तो क्या उस समाज के लोग नहीं हो सकते क्या? आपका सवाल ना मैं जवाब लेता हूँ, संजय जी जवाब दीजिए, आप बताए ना इनको साथ जानकारी नहीं होगी, ठीक है मैं जवाब लेता हूँ, डेटा है, मैं बगैर डेटा की बात नहीं करता हूँ। अरे तो जवाब लीजिए ना चंचल जी, प्लीज बात कर जो बात, अरे बात अलीगढ़, आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ के पसमंदाओं का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? आप क्यों अलीगढ़ मेरे सवाल का जवाब दीजिए, और सवाल के बदले में सवाल खड़ा कर रहे हैं आप, शैक्षिक योग्यता के स्वीकार सवाल के बदले में सवाल खड़ा कर रहे हैं आप, और आप भारतीय जनता पार्टी पसमंदाओं के लिए काम करती है तो समाज समाजवादी पार्टी को दर्द होता है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, भाजपा के साथ आता है, आप जैसे वोटों के ठेकेदारों को कठिनाई होती है समाज के लोगों का, ठीक है संजय जी, ठीक है ठीक है ठीक है, अरे हम देंगे, हम देंगे। एक सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। जी जी बोलिए आसिफ जी, आप लोग पसमांदा समाज के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, मेरा जो हाथ जोड़ के निवेदन है कि पसमांदा समाज की एक महिला के साथ गुजरात में सामूहिक बलात्कार हुआ था बिल्किस बानो, और उसके बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ दिया ये कहते हुए कि बलात्कारी बड़े संस्कारी हैं, तो उन संस्कारी बलात्कारियों को दोबारा आप कब जेल में भेजेंगे? केवल इसका जवाब दे दिए, वो भी पसमांदा समाज की महिला है, केवल इसका जवाब दे दिए बस। रिजवी साहब जी सर, रिजवी साहब आप तो अपर कास्ट के मुसलमान हैं, अब आपको आपको ये दर्द क्यों होने लगा? आप बताइए, हमें मत दीजिए ना, देश के अंदर न्यायालय, देश के अंदर न्यायालय है कि नहीं है, अपर क्लास के अंदर कोर्ट है कि नहीं है, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है, क्या है ये रिजवी साहब पसमंदाओं के बारे में जिम्मेदारी है, ये पसमंदाओं के बारे में जिम्मेदारी है, क्षमा मांगना चाहिए कि आपकी सरकार के लोगों ने कहा कि बलात्कारी संस्कारी हैं, आपको इस बात पे क्षमा मांगनी चाहिए, देश की सारी महिलाओं का अपमान किया करेगा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, भारतीय जनता पार्टी की नेता ने कह दिया जो भी बलात्कारी संस्कारी है पूरा देश स्वीकार करेगा, आप स्टैंड कर रहे हैं इस बात के ऊपर, बिल्कुल आप कह रहे हो ना, आप स्टैंड कर रहे हो इस बात के ऊपर, रिजवी साहब आपके बारे में क्यों बता रहे हैं, स्टैंड कर रहे हो इस बात के ऊपर, भला हो रहा है बलात्कारी संस्कारी है, यही किया आपने लखीमपुर में, ये रिजवी साहब को पसमंदाओं के लिए दर्द क्यों हो रहा है भाई? ठीक है आगे बढ़ेगा आसिफ साहब, मैं वापस आऊंगा, संजय चौधरी जी आसिफ जी प्लीज, आप देख नहीं रहे हो, आसिफ जी मैं वापस आऊंगा, देखिए रिजवी साहब संजय चौधरी साहब के विकास को मत रोको, ठीक है, अरे तो चले खटिक आपके खटिक समाज के जो राजमंत्री हैं वो परेशान है, हम आपसे कह रहे हैं कि अपने राजमंत्री को कम से कम मना लो, अरे खटिक समाज के मंत्री को छोड़ दिया, हमारे डिप्टी सीएम साहब केशव साहब मौर्य जी, अरे सरकार में हैं काम कर रहे हैं, क्यों परेशान हो भाई, वो काम कर रहे हैं सरकार में, और उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री नहीं सुने तो हम क्या करें, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं,
आठ बार रिमाइंडर लेटर लिखे मुख्यमंत्री जी को, जो जो मौर्य को आर्थिक मदद मिलने के लिए पत्थर आए हैं, मुख्यमंत्री को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो। संजय चौधरी जी, देखिए देखिए जो 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 मांगे कहा जाए कि पसमांदा समाज की जो मांगे अगर बात की जाए, और कहा यह जा रहा है कि स्नेह यात्रा जो आपकी चल रही है ना, वो तभी सफल हो जाएगी जब उनकी जो मांगे हैं वो मान लेंगे आप। क्या उनकी मांगे मानेंगे? सबसे बड़ी जो मांग उनकी है कि पसमांदा समाज को SC का दर्जा दिया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अगर लोकसभा चुनाव जीतती है 24 का, क्या SC का दर्जा देगी? लोकसभा के वर्तमान तो है, देखे जाए। देखिए, हम एक ही चीज मानते हैं कि ये देश है, मैं अभी उनका वोट लेने की कोशिश कर रहा हूं ना जी, और नागरिकों को भेदभाव, अरे भी वर्तमान में है करके दिखाया ना, बड़ा दिल करे, सुनते सुनते योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। आप एक एक योजना को बताइए जिस योजना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है। हम भेदभाव से मुक्त योजनाओं को लेकर आ रहे हैं, योजना का लाभ किसी को नहीं हो रहा है, करेंगे मुसलमानों का रोजगार बढ़ा है, उनका विश्वास बढ़ा है, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है, और रामपुर का चुनाव इस बात की निशानी है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए हैं। भ्रष्टाचार में डूबी हुई है ऊपर से लेके नीचे तक। अभी तक बताइए जो फर्जी एडमिशन हुआ उस पर क्या कार्रवाई हुई? नहीं नहीं, आसिफ साहब देखिए, बेसिर पैर की बातें मत करिए, फैक्ट के साथ बातें करिए। ये किस किस परिवार में चार मेंबर हैं और तीन मेल पर हैं, भ्रष्टाचार की आप ये बताइए कि कोई भी योजना का लाभ हिंदुओं को और मुस्लिमों को नहीं मिला है? गरीबों को राशन बांटा गया, क्या क्या जाति देखकर, क्या धर्म देखकर राशन दिया गया? आसिफ साहब, कहने का मतलब है कि ऐसी बेरोजगारी आई क्योंकि क्या आपको राशन नहीं? ये एक मुद्दा है, ये एक मुद्दा है। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। ये बेरोजगारी एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिला, ये तो कहना गलत है ना आसिफ जी? बिल्कुल सही है, योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिला। आज के टाइम में देखिए आप बताइए अभी नीट की परीक्षा पास के बगैर विद्यार्थियों का एडमिशन हो गया तो किसका हक मारा गया? उस गरीब किसान के बच्चे का हक मारा गया जो पढ़ के आ रहा था, 900% एडमिशन हुए। संतनु जी, एक चीज बताइए, और अभी तक कैबिनेट, अभी तक उस मंत्री के खिलाफ क्या एक्शन हुआ जो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर था? आप केवल एक्शन के नाम के ऊपर चपरासी और क्लर्क को उठा के बंद कर दोगे, मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है चंचल जी। जी देखिए संतनु जी, सबसे पहले आपने कहा योजनाओं की बात करें, बीजेपी की योजनाएं क्या है? ये केवल मैंने बताया ना कि वो सिर्फ फ्रेमवर्क करते हैं, इनका काम, इनका क्या है कि केवल झूठ फैलाना है। आप मुझे बताइए जो राशन वितरण की योजना की आप बात कर रहे हैं, आप उसकी बात, इसके अलावा उनकी क्या योजना है? और राशन वितरण आज से नहीं हो रहा, पहले से चल रहा था, आपको शायद याद, खाद्यान्न सुरक्षा बिल जो है कांग्रेस ने ही लेके आया था, और राइट टू फूड, राइट टू फूड, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ, यही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं लोकसभा के अंदर बोला राशन इसके पहले कब बटा देश में? राशन कब बटा? आपको पता नहीं है राशन इसके पहले उनकी बात सुनिए, संजय संजय हो यार, देखिए ये लोग झूठ बोलने बहुत नहीं, चैनल को चैनल आप बताओ, मेडिकल के क्षेत्र में आपने क्या काम किया जो आज आम आदमी गरीब आदमी कोई ऐसा जिला नहीं है कि इसके पहले हिंदुस्तान में फ्री में राशन, राशन, अरे चंचल जी, आपका जो कोर वोट बैंक है ना, उस पर सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं, देखिए जब समाजवादी पार्टी इसका कैसे तोड़ निकालेगी ये बताइए ना चंचल जी। मैंने बताया ना आपको जी, क्या मेरा सवाल यही है, वो जानते हैं ये कोई झांसे में इनके नहीं आने वाला है, और जानते हैं शांतनु जी, कांट की हारी बार बार नहीं चढ़ती है। आज के टाइम ये बताएं ना, हमारे बैठे हैं क्या नाम है चौधरी साहब, मेरी कई सारे डिबेट में आते रहते हैं, बराबर मेरी झल्लाट होती रहती, और ये बात जो सही बातें सुनते हैं पट से गर्म हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि आप आज के टाइम में, आज की बात करो आप ना, आज के टाइम में आप बताओ कि आपने उन समाज के लोगों को आप प्रतिनिधित्व कहां पे दे रहे हैं, किस सेक्टर में आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? क्या प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है मुस्लिमों को, आपका क्या मानना है? और खासकर पसमांदा समाज की अगर बात की जाए तो देखिए, उसको रिझाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जैसा कि आपने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबका विश्वास हासिल कर पाया है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? या आगे जो कोशिश की जा रही है वो कर पाएगी?
देखिए भारतीय जनता पार्टी आम मुसलमानों का विश्वास हासिल कर रही है। आप ये बताइए चंचल जी, ये बताएं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुसलमानों को क्या 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 मिल गया? सिर्फ झूठे वादे किए गए। कितने मुसलमान ऐसे थे, कितने मुसलमान एसएसपी थे या डीएम थे, लिस्ट मतलब देखिए लिस्ट एक वो सर, तो होगा आपके भाई पास? आज समाजवादी पार्टी, सिर्फ मुसलमानों को वोट ले गए, मुसलमानों को बेवकूफ बना गए, परिंदा पर नहीं मारेगा, सारे उनके नुकसान करा दीजिए और मुसलमान तीन तीन बार सरकार में बन के बैठ गए। तो ये जो चंचल जी के आरोप हैं वो बिल्कुल ही निराधार हैं। बल्कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो कर तो रही है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विभाग में इतनी योजनाएं चल रही हैं, मदरसों के लिए योजनाएं चल रही हैं, आईएएस आप बताइए आईएएस में कितने बच्चे समाजवादी पार्टी या उसकी पहले की सरकारों में कितने आईएएस में सिलेक्ट होते थे? भारतीय जनता पार्टी के आप उसमें देखिए, तो ये बीजेपी प्रोत्साहित तो कर रही है ना, बीजेपी प्रोत्साहित करा रही है। सुन लीजिए इकबाल साहब, सुन लीजिए, मैं सोच रहा हूँ कि आप मतलब क्या बातें कर रहे हैं। आप आईएएस में वर्तमान में कितने लोग बनते थे? नहीं, उनका कहना ये है कि देखिए ना चंचल जी, उनका कहना है कि अब अभ्युदय योजना चल रही है ना, जो कोचिंग दे रही भारतीय जनता पार्टी, उसके जरिए जो बच्चे है ना उनको यूपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है। जी बोलिए। शायद वो सर भूल गए थे, आपने याद दिला दिया। नहीं भूल नहीं गए थे, कांसेप्ट उसका योजनाएं पहले भी चल रही थी लेकिन इतना अगर ऐसा ही होता मुसलमानों को, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के क्या किया? योजनाओं की बात करिए, आप योजनाओं के नाम बताइए कौन सी योजना चले मुसलमानों की। योजनाओं का आप योजनाओं की आप बुकलेट मंगाइए आप हमारे समाज कल्याण विभाग से, आप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से। चंचल जी सुनिए ना, ये योजनाओं का नाम उनको याद नहीं है, जिस तरह से आपको याद नहीं है कि कितने थानों में तैनात थे एसएचओ, है ना, सब याद करके आप कह रहे हैं कि लिस्ट निकलवाइए। मेरे पास, मैं आपको 10 नाम बता दूंगा, मैं 10 थानों के नाम बता दूंगा, आप बताइए और नाम सही बता दूंगा। ठीक है, मैं इस पे ना, ये मेरा सवाल है, देखिए आम मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, इसको लेके समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा चुटपुटा। मैं चाहता हूँ देखिए, कुंवर इकबाल हैदर साहब इस डिबेट का हिस्सा है, उनको उनका वक्त मिलना चाहिए, उनके विचार क्या है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचने चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कुंवर इकबाल साहब, जी आप कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है तो वो खुल के कहे कि साहब मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, और उसके बाद उसको प्रेजेंट करें। यदि वो किसी परिषद का अध्यक्ष बन के बैठेगा और उस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा जिसको वो ज्वाइन करता है, तो तकलीफ होती है। और ये एक तरह से आपके जो दर्शक हैं उनके लिए भी धोखा है, वो भी मिसगाइड होते हैं ना। नहीं धोखा क्या भाई, मुसलमानों को पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ना, मुसलमानों को ये बताना तो जरूरी है कि कौन आपके हित में कार्य कर रहा है। सुनिए ना आसिफ जी, उनका ये कहना है कि मुसलमानों को ये बताना पड़ेगा ना कि कौन उनके हित में काम कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी लेकिन आप गलत रिप्रेजेंटेशन करके बताएंगे तो रिप्रेजेंटेशन हमारा पत्रकार बन के बैठ जाऊं और एक पत्रकार के नाते अपनी व्यू दूं। नहीं, हमारी एक अपनी फोरम है, उस फोरम से हम कार्य कर रहे हैं, जो हम समझते हैं जो सही है, सही दिशा में कार्य कर रहा है, उसकी हम प्रशंसा करेंगे। जो कहते थे आंदोलनजीवी और आंदोलनजीवी कह के देश के 700 नागरिकों की जान ले ली इन्होंने, इसी तरह से धोखेबाजी करके कि साहब ये किसानों के लीडर हैं, ये किसानों के लीडर हैं, और सच्चे किसानों की बात सामने नहीं आ पाए, और बाद में माफी मांगनी पड़ी देश के प्रधानमंत्री को। ठीक है संजय जी बात पूरी करिए, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की हो रही है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा अगर मेमोरी पर जोर डालेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। 1977 अटल बिहारी वाजपेयी देश के फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं, तब पहली बार इस हिंदुस्तान में सऊदी देशों के साथ मुसलमानों के रोजगार के लिए वीजा खोला जाता है, और 1977 के बाद पूरे देश के मुसलमान रोजगार के लिए सऊदी अरब जा पाते हैं, तब जब भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं। बात नंबर दो, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और मुरली मनोहर जोशी एचआरडी मिनिस्टर बनते हैं, तब इस हिंदुस्तान में पहली बार मदरसों के लिए मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, तब कहा जाता है कि इस्लाम के साथ
कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा और पहली बार मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का काम अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हुआ, एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर जोशी के बाद हुआ। बात नंबर तीन, मुसलमानों की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या, उन्हें यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तीन तलाक की समस्या का समाधान किया तो इस देश के अंदर माफी मांगे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एक तबका तीन तलाक मारता है। दंगों का खौफ रहता था केवल और योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में दंगों को खत्म किया और दंगों के खत्म होने के बाद ही मुसलमानों में सुरक्षा की बात आई। मुसलमान अब विकास की तरफ देख रहे हैं और इसी तरह मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार देश के इसका साथ लिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप चुनाव परिणामों के रिजल्ट को देखिए, अगर रामपुर में जीत है सुरक्षा का नाम इंदिरा गांधी था, मुसलमानों के नहीं, सुरक्षा नहीं है आजमगढ़ की जीत, सुरक्षा नहीं है कि नहीं मिल सकती पाकिस्तान की, पाकिस्तान की जो है आप अथॉरिटी को अलाउ कर रहे हैं हिंदुस्तान में आके जांच कर रही है। ठीक है, मोहम्मद इस्लाम साहब बेटा रहा दबाव है पसमंदा का है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है मोहम्मद इस्लाम साहब, देखिए विधानसभा की अगर बात की जाए, विधानसभा चुनाव 2022 की, तो कहा यह जाता है कि पसमांदा समाज का 8% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कोशिश अब ये की जा रही है कि इसी जो ये जो वोट बैंक है इसको लोकसभा में कैसे जो है वो बनाया जाए, और उसके लिए अभी से कोशिश जो है वो देखा आपने कि शुरू हो चुकी है, और ये जो कोशिश शुरू हुई है इसका जो फ़ायदा है वो उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं वो लूटने की कोशिश की जा रही है, और साथ साथ निकाय चुनाव जो होने वाले हैं उनमें भी इनका लाभ हासिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और क्या आपको लगता है कि ये जो 8% वोट विधानसभा में मिला है ये लोकसभा में इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ सकता है? देखिए क्या है कि मेन मुद्दा आज पसमांदा है, तो इस मौके पर मैं भी यही कहूंगा, मेरे पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं है कि 8% मिला या 1% मिला, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि पसमांदा जो है, चलिए आपको 8% मिला, आपने टिकट कितने परसेंट दिए, आपने उत्तर प्रदेश में टिकट कितने परसेंट दिए, आपने गुजरात में टिकट कितने परसेंट दिए, आपने अभी जो है लोकसभा भी आ जाएगा 2024 उसमें कितने टिकट दे रहे हैं। मेरा मुद्दा ये है पसमांदा समाज को हिस्सेदारी देनी चाहिए और वो सत्ता में हिस्सेदारी देनी चाहिए। देखिए सत्ता में हिस्सेदारी देनी चाहिए, पुराने आयोग हैं हमारे, अभी संजय भाई ने बताया सच्चर आयोग की रिपोर्ट है, उसी को लागू कर दें, उसको लागू कर दें। उसके बाद में अभी प्रधानमंत्री जी ने केजी बालकृष्णन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, उसमें एक पसमांदा मुसलमान उसका मेंबर रख लें, और कम से कम पूरी दुनिया देख रही है आज हमारे कैबिनेट में भारत में कोई मंत्री मुसलमान नहीं है, उसमें एक मुसलमान जो है और खास तौर से पसमांदा मुसलमान को उसमें हिस्सेदारी दे दें। तो अभी क्या है कि कोई लड़ने का वक्त नहीं है और ये वक्त नहीं है कि भाई कितना परसेंट मुसलमान किसको मिलेगा क्या मिलेगा। मैं तो पसमांदा मुस्लिम्स जो है जो मुद्दा है उस पर यही कहूंगा कि पसमांदा मुसलमानों को हिस्सेदारी देनी चाहिए जो आजादी के बाद से आज तक नहीं मिली। और मैं ये भी कहूंगा, देखिए मुझे इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अगर अच्छी शुरुआत करते हैं, गंभीरता से लेते हैं, सीरियस लेते हैं, तो देखिए इसका परिणाम भी अच्छा हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए पांच राज्यों में सबसे ज्यादा पसमांदा मुस्लिम जो है वो हैं, और यहीं पर 190 लोकसभा सीटें हैं। मोहम्मद इस्लाम जी, 190 लोकसभा सीटों हैं, सीटें जो हैं उनको लोकसभा, ये जो लोकसभा सीटें 190 हैं इन्हीं पर पूरी तरह से फोकस करने की कोशिश की जा रही है। पसमांदा समाज इन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा, यूपी बिहार झारखंड बंगाल और असम में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, और इसी पर पूरी तरह से फोकस जो है करने की कोशिश की जा रही है। संजय चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मोहम्मद इस्लाम साहब कह रहे हैं कि आप देखिए आप टिकट तो देते नहीं है किसी भी कैंडिडेट को, और उसके बाद आप सम्मेलन कर रहे हैं, जब टिकट नहीं देंगे तो आपका कैंडिडेट कैसे जीतेगा, कैसे भरोसा जीतेंगे, आप सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। संजय जी, अभी तक देश के अंदर जो बड़े रिप्रेजेंटेशन हुए वो अबुल कलाम आजाद से लेकर और आजम खां तक, जो
जो रिप्रेजेंटेशन हुए उससे मुसलमानों में भला क्या हुआ? आप मुसलमान बात करते हैं कि हमने इस हिंदुस्तान पर 800 साल राज किया, 800 साल राज करने के बाद इस हिंदुस्तान का आम मुसलमान पंचर क्यों जोड़ रहा है? वो शिक्षा में क्यों नहीं बढ़ पाया? जी, मैं बहुत छोटा सा सवाल आपसे है, 800 साल उन्होंने राज किया, मुस्लिमों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 8 साल भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में शासन किया है, मुस्लिमों की स्थिति कितना बेहतर हुई है? नहीं, अगर मुसलमानों की स्थिति बेहतर ना होती तो आप बताइए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुसलमानों का भरोसा भाजपा पर कैसे आता? अगर मुसलमानों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जीता है तो इसका मतलब है कि मुसलमानों के लिए भी सारे समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कोई भेदभाव नहीं रखा है। तो भैया आप अगर तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए अलग व्यवहार करती और दूसरे लोगों के लिए अलग व्यवहार करती तो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का भरोसा नहीं मिल सकता था। और विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा है कि ऐसे मुसलमान जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था उनके ऊपर हमले होते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं, उन्हें मारा जाता है, उनकी हत्याएं होती हैं। मतलब ये बताने के लिए पर्याप्त है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के भेदभाव युक्त शासन से और योजनाओं से जिसका उसको लाभ मिल रहा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष। देखिए संजय जी, संजय जी सुनिए, जो आईएएस बने संजय जी, विपक्षी पार्टियां देखिए आरोप क्या लगाती है। देखिए जो मुस्लिम लगभग 50 के आसपास है, सुनिए ना, जो कोर वोट बैंक है ना विपक्षी पार्टियों का, अगर वो आपकी पार्टी को वोट नहीं देगा ना तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। संजय जी देखिए हमारे यहाँ तो बुलडोजर केवल अपराधियों पर चलता है, तो मनीलाल पट्टीदार पे क्यों नहीं चला? अपराधी चाहे वो में क्यों नहीं चला, हाथरस में क्यों नहीं चला, लेकिन कुर्की में क्यों नहीं चला? किसी भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो आप भाग जाएंगे, भेद का हो आप बताइए ना, उन्नाव में क्यों चला? चलेगा ही उन्नाव में सेंगर जी क्या क्यों नहीं चला? हमने जाति से आते हैं, जाति से मुख्यमंत्री जी आते हैं, बुलडोजर चलाया होता तो जनता हमें समर्थन नहीं देती। जवाब दे भाई, बात पे विश्वास किया, आपका सवाल हो गया, उन्होंने सुन लिया, आपका सवाल उन्होंने सुन लिया, मुझे लगता है सुन लिया। जवाब देना है, लखीमपुर खीरी में क्यों नहीं चला, उन्नाव में क्यों नहीं चला, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया आप बताओ, उन्नाव में क्यों नहीं चला, लखीमपुर खीरी में क्यों नहीं चला बिल्डोजर भैया, हाथरस में बिल्डोजर क्यों नहीं चला, मणिलाल पट्टीदार के ऊपर बिल्डोजर क्यों नहीं चला? जो भी अपराधी होगा अपराधी नहीं है, कार्यवाही होगी, अपराधी नहीं है, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, अपराधी नहीं है, जवाब दीजिए, अपराधियों के खिलाफ कोर्ट ने उनको अपराधी मान लिया है, अपराधी सोनिया गांधी हो और चाहे वो क्यों नहीं चला बिल्डोजर, अंसारी हो, कार्यवाही सब पर होगी, भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश नहीं, मतलब है कि हाथरस में अपराध नहीं हुआ, पैसा खाने को कहने को मतलब लखीमपुर खीरी में अपराध नहीं हुआ, आसिफ जी अपराध नहीं हुआ, ठीक है आसिफ जी आप ये जवाब दीजिए। देखिए लोकसभा की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है तो आपने देख ही लिया, कांग्रेस पार्टी किस तरह से तैयारी करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक है ये कांग्रेस पार्टी को भी समर्थन करता है और बड़ी संख्या में करता है। देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश के प्रति योगदान कैसे करना है क्या करना है उसके लिए भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। 40 से 50 किलोमीटर वो प्रत्येक दिन वो पैदल चल रहे हैं, देश के प्रत्येक जाति के लोग, प्रत्येक धर्म के लोगों को सचेत कर रहे हैं। अरे फिर बोलने लगे, राहुल गांधी से इतना डर कहे को है भैया, मोदी जी भी राहुल गांधी डर रहे हैं, योगी जी भी डर रहे हैं, आप डर रहे हो। अरे रुक जाओ भैया, हमें पता है राहुल गांधी खराब में आ रहे हैं आजकल, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है उपचुनाव, भैया रुक सुन लो भैया, अब आपकी मत देर से सुन लो, थोड़ा हमारी भी सुन लो भैया, हम तो सच बोल रहे हैं, आसिफ जी आपका झूठ सुन लिया हमने, सच सुन पा रहे हो आप, आसिफ जी वक्त कम है, आप जल्दी अपनी बात पूरी करिए। राहुल गांधी जी देश के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का काम कर रहे हैं, देश का प्रत्येक व्यक्ति देश के प्रति अपने योगदान के लिए तैयार हो रहा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी परेशान हो रही है, लेकिन ये देश एक था, एक है और एक रहेगा, और प्रत्येक भारतीय इस देश में योगदान करेगा, ये राहुल गांधी की मुहिम है, इसमें हम साथ में हैं। संजय जी जवाब दीजिए, आखिरी आखिरी एक मिनट जवाब दे देंगे हम लोग भी बोलेंगे। चंचल जी एक मिनट का वक्त है, आप अपनी बात पूरी करिए। चंचल जी
जी क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये वही लोग हैं, आप बताएं कि आए दिन देखिए ध्रुवीकरण की बात करते हैं। मुझे ये लगता है कि हमारी हमारे विकास के लिए सारे समाज को साथ आना चाहिए और सारे समाज में जो भी पिछड़ा है, जो भी टूट गया है, जिसको भी विकास नहीं मिला है, जिसको भी उत्थान की जरूरत है, उन सबको आगे आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत है भारत में। 30 सेकंड संचल जी, 30 सेकंड का वक्त है, जल्दी अपनी बात कीजिए। उनके विकास में उनको साथ ठीक है। संजय जी धन्यवाद। हमारा यह अभियान केवल इसीलिए ठीक है। संजय जी धन्यवाद। संजय जी आज के टाइम मैंने बताया ना कि हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि जो दलितों को वोट कर लेने के लिए हनुमान जी दलित थे। आप सोचिए हमारे जो देश के वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, दिल्ली के अंदर जो है मतलब बोलते हैं कि देश के गद्दारों को, आप सोचिए ये ऐसे शब्द यूज करते हैं। अभी हमारे संजय भाई कहेंगे आप खिलाफ FIR हो जाएगी अगर आप शब्द बोल देंगे तो ये धमकाने का भी काम करेंगे। तो ये लोग केवल और केवल समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। लोग क्या नाम जातियों को जातियों से लड़ाएंगे, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए वक्त कमी है, आप सभी को रोकना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इकबाल, हैदर जी, आसिफ रिजवी जी, चंचल कुमार जी, इस्लाम जी और संजय चौधरी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए लगातार 2024 की तैयारी के लिए पसमांदा समाज का सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये सम्मेलन कब तक चलेगा और क्या ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें ये मुद्दा छाया रहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया कुरुक्षेत्र देखने के लिए।